हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली सीबीएसई ने अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है सेशन 2020-21 के लिए। इट मींस क्लास 12 हिस्ट्री के लिए जब आप 2021 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से कुछ अलग मिलेगा। हालांकि इसकी उम्मीद तो थी ही, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से जो है क्लासेस डिस्टर्ब रही हैं और इस बात की भी ऐसी संभावना लग रही थी कि शायद ऑब्जेक्टिव यह है टेस्ट कराना पड़ जाए, तो सीबीएसई ने इस तरह से पूरी कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए और यही सब जो है चेंजेज आए हैं। तो इस वीडियो में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में क्या कुछ चेंजेज किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको जो है यह सैम्पल पेपर खुद से डाउनलोड करना है तो आप सीबीएसई की साइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिर्फ हिस्ट्री की ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट के भी जो है सैम्पल पेपर मिल आपको वहाँ से मिल जाएंगे और आप जो है आप उनको देख करके आप ये एनालाइज़ कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होगा, ताकि उस हिसाब से आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो हम जो है यहाँ पर जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन में क्या कुछ मेजर चेंजेज आए हैं। एक जगह मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है आप कुल 16 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो है 16 क्वेश्चन जो है वो देंगे, जिसमें सिर्फ हमको 15 करना है। याद रखिए, आपको यहाँ एक बेनिफिट मिल रहा है कि 16 क्वेश्चन होंगे, करना सिर्फ 15 है ऑब्जेक्टिव टाइप में। कैसे होंगे, हम एक एक क्वेश्चन पर एनालाइज़ करेंगे क्या कुछ है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 15 करने हैं। 16 हमारा कोई भी एक आप जो है अपने मन से स्किप कर देते हैं तो इट मीन्स आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। 17-20 जो है ये सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड स्टडी है। याद रखिए, पहले भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते रहे थे लेकिन वो 5-5 नंबर के होते थे। इस बार ये एक नया सेट, फिर से एक और सेट इम्प्लीमेंट किया हुआ, ये काफ़ी यूनिक सा है। किस तरह के केस डालेंगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हाँ ये होगा कि एक पैराग्राफ होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी आपको एक बेनिफिट दिया गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है 4-4 क्वेश्चन होंगे, करना सिर्फ 3 है। ये याद रखिए, करना सिर्फ 3 क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन जो है 4-4 होंगे, 4 में से 3, मतलब हर सेट में आपको एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद से जो अगला सेट है, जो सेक्शन सी है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है 20 से लेके 23 तक है। याद रखिए, यहाँ पर वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। ठीक है, 3 × 4 आप जो है 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के जो है अब 4 क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। ऊपर के दोनों सेट में आपको ऑप्शंस मिल रहे थे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक है, वर्ड लिमिट 100 है। अब सवाल आता है, क्या 100 लिखना ज़रूरी है? ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, कम या अधिक हो सकता है थोड़ा बहुत, बट कोशिश कीजिए 100 के आसपास हो जाए, बहुत ज़्यादा मत बढ़ा दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, बड़े क्वेश्चन आने मुश्किल होते हैं, तो छोटे वाले क्वेश्चन ही हमने 1.5 पेज भर दिए, कोई मतलब नहीं है। 100 वर्ड्स काफ़ी है। ठीक है, एक लाइन में जो है 15 से 16 वर्ड्स लगभग आ जाते हैं, उस हिसाब से आप देख लें। मुश्किल से जो है आपका 8 to 9 lines सफिशियंट होते हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम के लिए टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस केस में आप क्वेश्चन को फिर से आप रिवाइज़ करोगे कर सकते हो और जो है उसको फिर से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, इसलिए टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी भी हाल में जो है वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो। नेक्स्ट इज सेक्शन डी। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ नंबर भर भर के आते हैं। याद रखिए, ये 8-8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन हैं 8-8 नंबर के, और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 350 वर्ड्स की है। अगेन कोशिश कीजिए इस लिमिट में आ जाए। 3-3 सेट होते हैं हर सेट में, ये पिछले सालों की तरह ही है। 2 + 2 आप यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर जो है कई बार क्या होता है, इसमें जो है या तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, या फिर कई बार 5 + 3 के सेट बना देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट कर देता है, 2 + 6। अभी हम आगे चल करके देखेंगे। ठीक, यहाँ पर भी आपको अगेन ऑप्शन मिलता है, हर क्वेश्चन के 2 अल्टरनेटिव मिलेंगे, चाहे ए कीजिए चाहे बी कीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में, मतलब 24 में 2 ऑप्शन मिलेगा, 25 में 2 ऑप्शन मिलेगा, 26 में मिलेगा। तो ये आपको जो है अगेन आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई है।
ठीक है, पहले भी थी, खैर इसमें कुछ नया नहीं है। 27 to 29 ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये पहले भी आते रहे थे। ठीक, 5-5 नंबर के तीन क्वेश्चन हैं, ठीक, तीन सेट हैं, 27, 28, 29। 27 में अगेन 2 + 2 + 1 ऐसे ही जो है ये बनाते हैं, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, सोर्स बेस्ड में एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो क्वेश्चन होता है वो जरूरी नहीं है सोर्स के भीतर से ही हो, वो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, इसलिए चैप्टर पूरा पढ़ना और जो है अब जरूरी नहीं है कि वो उसके भीतर ही होगा, ठीक है, तो ये भी जो है आपको फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट मैप क्वेश्चन, अगेन सबसे इजी नंबर मुझे लगता है कहीं से निकलता है तो वो इस मैप बेस्ड क्वेश्चन का होता है, क्योंकि 5 नंबर जो है मुश्किल से, मैप का जो सिलेबस है बहुत छोटा है। अगेन इसका लिंक में मैं डाल दूंगा, जहां से आप CBSE के साइट से आप जो है ये मैप वाले क्वेश्चन का सेट पूरा डाउनलोड कर सकते हो, कि मैप में क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, या फिर जो है मेरे ब्लॉग साइट से जा करके आप जो है पूरे मैप क्वेश्चन के सॉल्व की पूरी पूरी जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप उसको डाउनलोड करके आप खुद से भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर आपके इंटरनल मार्किंग के होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल और दूसरी चीज़ों पर होते हैं। आप चाहें तो इस डिवीज़न का जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव मिल गए सीधे, ठीक है, 17 से 20, ठीक, अगेन यहाँ पर जो 9 मार्क्स ये भी एक तरह के ऑब्जेक्टिव ही हैं, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड हैं तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो गई। ठीक है, अगेन शॉर्ट आंसर तो खैर आपको लंबे में लिखना ही है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपके लिए ईजी हो जाते हैं, और मैप भी आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होते अगर आपने ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस की है। तो कुल मिला करके 15 + 9, ठीक है, प्लस अगेन 15, ठीक है, और प्लस 5, ठीक, 44 नंबर आपके लिए जो है बहुत ईजी से हो जाते हैं। 44-45 नंबर जो है आपके लिए बहुत ईजी से हो जाते हैं, और थोड़ा आप दिमाग लगाते हैं तो हिस्ट्री में 100 out of 100 नंबर लाना कोई इतना मुश्किल नहीं रह जाता। तो आइए पहले क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या कुछ है। अगेन ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री का पेपर ऐसा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो हमें बहुत ईजी लग रहा है, बट यकीन मानिए ये बड़ा ही जो है शानदार तरीके का पेपर बना है, और कुछ वैसे करने की कोशिश की है जैसे कि सिविल सर्विसेज के पेपर्स होते हैं, क्योंकि ज़रा सी आपने गलती की तो सीधा का सीधा आपका आंसर गलत होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सबसे खास बात यही होती है कि अगर सही हुआ आपके ज़बरदस्त नंबर आएंगे, क्योंकि 100 सीधा सीधा जो है एक नंबर का क्वेश्चन एक पूरा मिलेगा, और गलत हुआ तो सीधा 0 होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इन्होंने बहुत दिमाग खर्च किया हुआ है, और जरा भी आपने गलती की, पुराने दौर की तरह रट्टा मारने की कोशिश की, तो यकीन मानिए आप बहुत बुरी तरह से जो है आप मतलब आपके नंबर कम होने वाले हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी जो है जनरल इंस्ट्रक्शन, 3 घंटे का पेपर होता है, आप जानते हैं 80 नंबर, ये सारी बातें वही है। ठीक है, यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहें तो फिर जो है ये PDF भी जो आपको जो है लिंक में दे दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 1। आपको बताया था ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिए कोई लंबे आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा 1-1 वर्ड में जो है आंसर देना होता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ बहुत सीधे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 था, ठीक है, कि एंशिएंट मेसोपोटामियन टैक्स जो है जहाँ से कापर मंगवाते थे उसको मगन बोलते थे, यह मगन किस जगह को बताता है। ठीक, सीधा स्टेटमेंट है कि जो मगन टर्म उन्होंने जो एंशिएंट मेसोपोटामियन लोग जो मगन कहते थे तो किसको कहते थे। ठीक, सीधा सीधा सवाल है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये ओमान है, चलेगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, होम डिड अशोका पॉइंट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, अशोक ने किसको पॉइंट किया था धम्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना बड़े सिंपल वे में आए हैं, लेकिन याद रखिए आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका दिमाग एकदम से हिला देने वाले हैं, क्योंकि और उसके लिए जो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, याद रखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा जो सीधे सीधे पूछा है, जो दिमाग चकराने वाले क्वेश्चन है हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको समझना ज़रूरी है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड मैंशन द कॉन्टेक्स्ट इन विच स्टेटमेंट कनेक्टेड, मेनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल द देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड, कई सारे कुशान जो रूलर थे उन्होंने देवपुत्र देवताओं का बेटा ये टाइटल अपनाई, ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो सिंपल से इसकी मीनिंग है, वो दिखाना चाहते थे कि हमारी जो ओरिजिन है डिवाइन है, तो हम जो है बाई नेचुरल आपके ऊपर रूल करने की पावर रखते हैं। ठीक, तो
अब जो देखो सीधे सीधे नहीं पूछा कि जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देवपुत्र, उन्होंने बात को घुमा दिया कि जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट बोला गया, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगले क्वेश्चन में आइए, ये जो है सबसे ज़्यादा जो आपका दिमाग को ब्रशअप करेगा। यहाँ पूछा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज ए स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय ब्राह्मिन टू इन्फोर्स द वर्णा ऑर्डर, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी ब्राह्मणों ने उपयोग की थी वर्णा ऑर्डर को जो है आप इन्फोर्स करने के लिए। फर्स्ट थिंग असर्टेड दैट वर्णा ऑर्डर वॉज ए ह्यूमन क्रिएशन, इस बात पे फोकस किया कि वर्णा जो एक ह्यूमन क्रिएशन है। प्रैक्टिकली इट्स ट्रू, बट याद रखिए ब्राह्मिन्स ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि ये एक ह्यूमन क्रिएशन है। अगेन परसुएडेड पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन दे प्रैक्टिस्ड, ठीक है, उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपका जो स्टेटस है वो आपके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होता है, ठीक। अगेन ये चीज़ प्रैक्टिकली सही है कि मोस्ट ऑफ कास्ट उनके जो है ऑक्यूपेशन से ही डिसाइड हुआ था, लेकिन अगेन ब्राह्मण इस बात को बिल्कुल भी जो है ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो इस बात को बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं करते, ठीक है, वो चीज़ों को बाद में ऐड किया, ठीक। तो देखो टेक्निकली ये ए और डी दोनों सही है, लेकिन जो उनकी स्ट्रैटेजी है इसको इन्फोर्स कराने की ये उससे रिलेटेड नहीं करता, इसलिए ये दो ऑप्शन गलत है। अब बचते हैं दो ऑप्शन और, एडवाइज्ड किंग टू पनिश दोज हु वायलेटेड दीज नॉर्म्स, उन्होंने राजाओं को जो है एडवाइज़ किया कि आप उन सारे लोगों को पनिश कीजिए जो ये नॉर्म्स को तोड़ते थे। सही है, उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। आपके सामने राम की कहानी आती है, जब राम को कहा गया कि आप जब ब्राह्मण से उनके पास पहुंचते हैं कहते हैं शाम्भुक को मार डालो क्योंकि जो है वो एक शूद्र है लेकिन तपस्या कर रहा है, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। सेकंड से थर्ड है परसुडेड द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है, उन्होंने लोगों को समझाया कि उनका स्टेटस जो है बाय बर्थ डिसाइड होता है। अगेन ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके बुक्स में ये बताया गया है कि ब्राह्मिन्स ने इन दो स्ट्रेटजी को यूज़ किया, बट अगेन यहाँ पर आप देखिएगा अब इन दोनों में से सही कौन सा है, तो ठीक है, तो इन दोनों में जो सही होता है वो सी सही होता है। अब सवाल है बी क्यों नहीं, वजह क्या है कि ब्राह्मिन्स कितना भी था वो एक पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उनका राजाओं पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था कि वो राजा को सीधा ऑर्डर करे कि नहीं तुम जाओ इस शूद्र को या इस पर्टिकुलर पर्सन को इसलिए जो है पनिश करो कि वो जो है आप वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ये राजा के बस पे था वो करे ना करे, लेकिन क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स थे इसलिए लोगों के दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे, और जब उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ जो है बाय बर्थ है या डिवाइन स्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिक लोगों को मानना था, खासकर ऐसे टाइम में जबकि लोग धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ का सी सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसके चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, और अगेन जो है हमको इन चारों में जो है काफ़ी दिमाग पर ब्रशअप करने के बाद फिर जा करके हमको जो है सी ऑप्शन सही लगता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है उन्होंने पिक्चर दिया, लास्ट ईयर तक भी पिक्चर देता था, उन्होंने पूछा कि ये इमेज देखिए और इसमें स्तूपा जो है किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। याद रखिए पिछली बार जो है वो ये पूछते थे ये स्तूप है तो ये कहाँ का है, ये पिक्चर है मतलब टेम्पल दे दिया तो टेम्पल कहाँ का, इस बार पूछा कि ये स्तूप जो है किस को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो अगेन स्तूप क्या बताता है, तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, बुद्ध की जो डेथ हुई थी, तो ये भी जो है अब आपको जो है थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्वेश्चन सीधे सीधे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और इसीलिए कहा था कि चैप्टर को बहुत सीरियसली पढ़ना, अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन तो जो है आपके लिए मुश्किल होगा, और सिर्फ चैप्टर के लाइंस को ही नहीं पढ़ना, आपको साइड में जो इमेजेज हैं उन इमेजेस के साथ छोटे छोटे जो टेक्स्ट दिए हुए हैं उनकी मीनिंग को भी समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अगेन क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, याद रखिए आप चूँकि विजुअल इम्पेयर्ड है नहीं और ठीक ऐसा जो है तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप नहीं हैं तो, लेकिन आप या जो है इसको मत अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए नॉन बुद्धिस्ट सिम्बल यूज टू डेकोरेट स्तूपा, इनमें से कौन सा जो है सिम्बल जो है आपने सांची स्तूप वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें जो है कौन सा जो सिम्बल था जो नॉन बुद्धिस्ट था, ठीक है, व्हील बुद्ध से कनेक्टेड है, स्तूपा बुद्ध से कनेक्टेड है, ट्री जो है बुद्ध से कनेक्टेड है, बट एक शाल भंजिका जो है एक डांसर सी लड़की जो एक पेड़ से लटकी हुई दिखी थी तो शाल भंजिका जो है वो नॉन बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आ रही है, तो अगेन जो है ये एक नॉन बुद्धिस्ट कैरेक्टर है, तो ये भी आपको तब पता चलता है जब आप चैप्टर को डीप में पढ़ते हैं, ठीक। अगेन एक स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द एस्केटिज्म एंड द मिडिल पाथ आर रिक्वायर्ड टू फ्री
वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ठीक, अब आपको जो है यहाँ सेंटेंस को करेक्ट करना है और रीराइट करना है। अब एक चीज़ आप देखिएगा कि जो ये मिडिल पाथ है, ये मिडिल पाथ जो है ये जो है बुद्धिज़्म से कनेक्ट होता है, यह जो है जैनिज़्म का नहीं है। मध्यम मार्ग जो प्रतिपदा, ये जो है बुद्धिज़्म से आता है। तो अच्छा, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो है जो CBSE ने जो है सिर्फ मार्किंग स्कीम ही नहीं दी है, उसके साथ साथ जो है उसकी आंसर शीट भी दे के रखी हुई है। ठीक है, तो आप जो है ये दोनों के दोनों जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये उसकी आंसर शीट दी हुई है, कौन सा क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया हुआ है, तो उस पर आप साफ साफ देख सकते हैं। दोनों के दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, पेज नंबर के साथ जो है उसकी मीनिंग हर चीज़ जो है उन्होंने दे करके रखी हुई है। ठीक है, यही वो स्तूप वाला सवाल था जहाँ पर महापरिनिर्वाण के बारे में बताया था। अगेन वो जैनिज्म वाला सवाल जो सॉल्व कर रहे थे, पेज नंबर 88 से उठा था, एस्केटिसिज्म और पीनेंस। ठीक, जैसा ही बताया था कि जो है जो मिडिल पाथ है वो बुद्ध की देन थी, वो बुद्ध ने कहा था, वो जो है इन्होंने नहीं कहा था। ठीक, यहाँ पे आइडेंटिफाई द भक्ति ट्रेडिशन, जिसने जो है विडो रिमैरिज की बात कही थी। ठीक, तो विडो रिमैरिज, ये फिर अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि विडो रिमैरिज की बात किसने की थी। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख लिए कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो थोड़े जो है घुमा करके दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे दिए हुए हैं। तो आप फंसिएगा नहीं, थोड़ा जो है खासकर जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा मॉडिफाई करके रखा हुआ है उसको जो है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज़ द सोर्स टू नो अबाउट वीर शैवा ट्रेडिशन कर्नाटका, ये सब जो है सीधे सीधे क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन नायक एंड अमर नायक, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये जो है खासकर सिविल सर्विसेज में इस तरह क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, ये थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब करता है। थोड़ा सा इसको जो है एनालाइज करते हैं। याद रखिए हम सारे क्वेश्चन को नहीं टच करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को टच कर रहे हैं क्योंकि जो है मतलब जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आती है, किस तरह से आती है। बाकी क्वेश्चन आप जो है सीधे PDF डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आगे का हम देख लें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और एक रीज़न दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे असर्टेन और एक रीज़न। ठीक, एक स्टेटमेंट हो गया, एक रीज़न हो गया। अब आपको क्या क्या बताना होता है कि जो है कई चार तरह के ऑप्शन होते हैं कि स्टेटमेंट और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और जो है जो रीज़न है वो जो है असर्टेन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, एक दूसरा ऑप्शन होता है कि असर्टेन और रीज़न दोनों सही है लेकिन यह सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगेन असर्टेन जो है सही है, रीज़न सही नहीं है। ठीक, रीज़न सही है, असर्टेन सही नहीं है। तो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करनी होती है क्योंकि यहाँ पर वो गड़बड़ क्या करते हैं कि सेंटेंस ऐसा होता है जो लगभग लगभग सही ही लगता है लेकिन कई बार उस सेंटेंस गलत होता है। आइए देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अर्बन कोर रिच ट्रेडर्स लिव्ड, ये जो है विजयनगर से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ पर जब खुदाई हुई तो उन्होंने ये देखा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है वहाँ उसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर जो रिच ट्रेडर्स थे वो रहते थे। रीज़न क्या बताया कि वहाँ पर जो बहुत सारे मकबरे मिले हैं, मॉस्क मिले हैं, फाइन चाइनीज पोर्सिलिन मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या आता है, उन्होंने पूछा है कि क्या अब आप बताएं क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, बी ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक मिनट कहाँ गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन मिलते हैं। अब आप देखोगे कि सेंटेंसेस जो है यहाँ पर जो है, एक मिनट कहाँ गया, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम जो है इसका पिक्चर देखें कि वो पैराग्राफ में एक्चुअल में था क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि देश के जो है जो सिटी थी विजयनगर उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के में अर्बन जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अर्बन कोर का जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो था वहाँ रिच ट्रेडर्स रहते थे। ठीक है, और जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मकबरे, मस्जिदें और फाइन चाइनीज पोर्सलिन हैव बीन फाउंड देयर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो दोनों चीज़ें लगभग लगभग सही लग रही हैं। ये अब सवाल ये आता है जो है दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लोग रहते भी थे और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब सवाल आता है कि ये जो है असर्शन का सही रीज़न है या नहीं है। तो जवाब इसका नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार जो है पैराग्राफ को देख सकते हैं कि जो है पैराग्राफ में क्या था। ठीक,
पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लिखा इन सम एरिया इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक, आप देख सकते हो क्वेश्चन को किस हद तक उसने जो है मॉडी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया है कि ये जो चीज़ें हैं ये मिली हैं लेकिन कई इलाकों में मिली हैं जिसमें जो है एक इलाका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अर्बन कोर भी है कि यहाँ पर रेस्ट्रेडर रहते थे। ठीक, अगेन जो मकबरे मस्जिदें ये सब चीज़ें मिली हैं वो इसलिए मिली हैं क्योंकि यहाँ मुस्लिम लोग रहते थे और मुस्लिम लोग बेसिकली चूँकि इस इलाके में बाहर से एज ए ट्रेडर आए थे तो वो जो है विदेशी चीज़ें चूँकि वो ट्रेड कर रहे हैं तो दुनिया भर की चीज़ें वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो इस कारण वो चीज़ें मिली। ठीक है, तो अगेन अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो आंसर जो है मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन ये इसका जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इट मींस कि आंसर बी सही है। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को किस हद तक जो है उसने आपको मतलब दिमाग हिला करके रख देने वाला है। सेंटेंस दोनों ही सही हैं कि वह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लोग रहते थे और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन सिर्फ वहाँ जो है ये सारी चीज़ें मिलने के कारण उस एरिया को जो है हम जो है रिच इलाका नहीं कह सकते क्योंकि रिच लोग दूसरी जगहों पे भी रह रहे थे जैसा कि एविडेंसेस बाकी जगहों पे भी मिले हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। विच मुगल एम्परर वी कैन वी एसोसिएट विद आलमगीर नामा। ठीक, अब इसका आंसर कैसे खोजेंगे? याद रखिए अगर आपको ये पता हो कि औरंगजेब का एक दूसरा नाम आलमगीर था, ठीक, तो इससे हमको समझ में आ जाता है ये स्टोरी औरंगजेब के बारे में। अगेन आपको अगर इसके राइटर का नाम पता हो तो वो भी आप देख सकते हो किस पीरियड में है। ठीक है, तो ये जो है आलमगीर नामा औरंगजेब से कनेक्टेड, क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है आलमगीर जो है औरंगजेब का ही नाम था। तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। अगेन ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग सा है। टू आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद वर ब्रॉड फ्रॉम ईरान टू द मुगल कोर्ट बाय एम्परर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, सॉरी, अब ऐसे सोचो कि वो कौन सा जो है मुगल बादशाह था जो कभी ईरान गया? बाबर, बहुत पहले बाबर होंगे। ठीक है, हो सकते थे, हालांकि बाबर भी ईरान की ओर नहीं गया, वो दूसरे रास्ते से आ गया था। ठीक है, ईरान में उसके रहने का कोई मतलब था नहीं। अकबर से लेकर के जो है बाकी जो थे वो इंडिया पर ही रूल किए। स्पेशली हमको ये पता है कि जो हुमायूं था उसने ईरान के दरबार में संरक्षण लिया था और वहाँ से फिर वो इंडिया है, तो इस बात के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं हुमायूं के। तो इसको जो है थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ये देखिए ब्रॉड फ्रॉम, ठीक है, उनको ले करके आए, ये नहीं लिखा कि वो लोग इनके दरबार में आए। तो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको आसानी से जो है आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ हुमायूं। ठीक, शो द पावर्स ऑफ जोधदार, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जो है ना इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये समझें कि क्वेश्चन पेपर किस हद तक आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमको बहुत सीधा सीधा लग रहा है कि यहाँ पर जो है आपको चार स्टेटमेंट दे दिए गए, चार लोग दे दिए गए और ये पूछा कि जो है आप किसको इसको मैच कराइए। अब अगर हम जो है अपना कॉमन सेंस लगाएं, याद रखिए यहाँ पर किस तरह से उन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि वन में दो ए यहाँ सेम सिमिलर लग रहे हैं, दो बी सिमिलर लग रहे हैं, तीन सी सिमिलर लग रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे कर लेते हैं और जो है तुक्का सी या डी में सही मार करके चले आते हैं। देखिए आंसर कैसे गलत होता है। ठीक है, दिल्ली सीधी सी बात है मुगल बादशाह ही होगा। ठीक, तो बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, मीन्स वन का सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वन का सी ऑप्शन बी वाले मिल रहा है, बाकी किसी में मिल ही नहीं रहा। ठीक, एक बार फिर से जो है इसको और जो है कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। कानपुर से कौन थे? तो साहब नाना साहब थे। ठीक है, बिल्किस कादिर जो है ये लखनऊ से थे और आरा से कुंवर सिंह थे। ठीक, तो वन का हो गया सी जो कि यहाँ दिख रहा है, कानपुर का हो गया डी, ठीक है, आरा से हो गए बी और लखनऊ से हो गए ए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो बी निकल कर के आ रहा है, जबकि अगर हमने फालतू का सिर्फ अपना दिमाग लगाया होता कॉमन सेंस तो वो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता। याद रखिए इसीलिए कि मैंने कहा है कि चैप्टर सीरियसली पढ़िए, सीबीएसई को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ए बी सी तीन जबरदस्त मैच कर रहा है, मीन्स हमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मारा और सी डी में से एक तुक्का मार के कर दिया और आंसर सीधा जीरो हो गया। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अगेन देखिएगा दिमाग कैसे चकराएगा। ठीक है, महात्मा गांधी इलस्ट्रेटेड हिज प्रैक्टिस
टैक्टिकल विजडम बाय पिकिंग ऑन सॉल्ट मोनोपोली। महात्मा गांधी ने अपना जो है चालाकी भरा दिमाग जो है सॉल्ट मोनोपोली के खिलाफ जो है यूज़ किया। क्या क्या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर। सीधी सी बात है, नमक के भी ऊपर जो सरकार की मोनोपोली थे वो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। सीधी सी बात है, नमक एक एसेंशियल चीज़ थी। सेकेंड थिंग, पीपल वर फॉरबिडन फॉर मेकिंग सॉल्ट इवन डोमेस्टिक यूज, कि मतलब लोग जो अपने घर के काम के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। थर्ड इज, सॉल्ट वॉज नॉट एन एसेंशियल आइटम। आप जब भी जो है एग्जाम प्रेशर में जो है आप पढ़ोगे तो आपको ये नॉट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आपको जो सिंपली दिखेगा सॉल्ट वॉज एन एसेंशियल आइटम, और आपको लगेगा ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और आप करोगे क्या कि जो है सी ऑप्शन को टिक मार के चले जाओगे। जब भी आप जो है प्रेशर में पढ़ते हो तो उसमें जो है आपको जो है अक्सर ये नॉट वाले क्वेश्चन जो है आपके दिमाग से गायब हो जाते हैं और आप वहाँ अटक जाते हो। इसलिए ध्यान से पढ़िए, इसीलिए जो है आपको पूरे 15 मिनट दिए जाते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले 20 मिनट ज़रूर सेव कीजिए ताकि जो है इस तरह की चीज़ों को ज़रूर बचा लिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा सीधा सही है, सेकंड स्टेटमेंट सीधा सीधा सही है, थर्ड स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सॉल्ट वाज एसेंशियल आइटम है, बिना नमक के कोई भी खाना नहीं बन सकता। आप शायद चीनी के बिना रह जाओ हफ्ते 10 दिन, लेकिन बिना नमक के रह पाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है, पर्सनली मैं कहूँ तो इम्पॉसिबल ही होता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन एक झटके में आपको नॉट ही दिखे, नॉट ही आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, सॉल्ट वाज एन एसेंशियल आइटम, और आप 1, 2, 3 मार दोगे। इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है और आपको इसको सही करना है। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज ए पॉइजन दैट हैड एंटर्ड इन द बॉडी द पॉलिटिक ऑफ कंट्री। अब जो है इसको कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे दिखा दिमाग लगाना है। एजाज रसूल अगेंस्ट, ये जो है धुलेकर हिंदी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे थे। ठीक है, जो पंत साहब हैं इनका भी जो है वो इनका स्टेटमेंट भी जो है शायद पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट पर जो देश के साथ जो सबसे स्ट्रांगली जो बोलने वाले थे वो सरदार पटेल थे। ठीक, तो हम टेक मार सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा जो है रेफरेंस भी हम देख सकते हैं कि किसने किस रेफरेंस में किया था। अदरवाइज अगर आपको आंसर याद है तो चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन थे जिसमें करना आपको सिर्फ 15 था, याद रखिए 16 आपको नहीं करने थे। तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन हमको किस तरह से कन्फ्यूज कर रहे हैं। अब आते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये जो है सेक्शन बी, ये नए तरह से इंट्रोड्यूस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अब पहले सिर्फ एक सेट जो है पैराग्राफ मिलते थे, अब आपको दो पैराग्राफ जो है दो सेट में मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पर एक पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन हो गया। याद रखिए जब भी आप जो है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पहले पढ़िए फिर जो है आप पैराग्राफ सॉल्व करने चाहिए। वजह क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऊपर जाना पड़ता है। नहीं, पहले जो है तीनों के तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर खोजने की कोशिश कीजिए इससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ मिल रही है। दिस इस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रशस्ति बिकॉज। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ति कहते हैं क्यों? ठीक, अगर आपको प्रशस्ति वर्ड की मीनिंग पता होगी तो सिंपल सा मतलब है प्रशंसा करना, तो अगर आपको ऐसे पता है तो भी चलेगा। इट कम्पोज इन द प्रेज ऑफ जो है अ पैटर्न, संरक्षण के प्रशंसा में किया गया, तो आप तो इसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक, इट इज़ कम्पोज्ड बाय ए कोर्ट पोएट, सही है, लेकिन अगेन पूछा है प्रशस्ति क्यों कहते हैं। इट इज़ ट्रीजर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट अकाउंट ऑफ इट्स पैटर्न, सही लग रहा है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड इन संस्कृत, सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमको क्या ध्यान देना था, इसको प्रशस्ति क्यों कहते हैं? तो अगेन क्योंकि यह जो है पैटर्न के प्रशंसा से जुड़ा हुआ। आप यह पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? आपको आपका कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप जो है अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं होगा तो YouTube पे मेरे वीडियो हैं, दूसरे लोगों के वीडियोस हैं जो इन्होंने खासकर जो है ना टेक्स्ट वाले जो बुक के लाइंस को पकड़ करके जिन लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है जो लोग नोट्स के साथ पढ़ाते हैं तो उसमें कई सारी जो है लाइंस मिस हो जाती है, लेकिन जो लोग बुक्स के साथ पढ़ाते हैं वहाँ पर क्या एक एक लाइन अच्छे से पकड़ में आती है। खुद से ही पढ़ने की कोशिश कीजिए और टीचर्स के टच में रहिए, अदरवाइज इस तरह की गड़बड़ियाँ होने की संभावना कम रहती है। दिस एक्सपर्ट्स मेंशन ही इज इक्वल टू गॉड, दिस प्रोजेक्ट व्हाट एलिमेंट ऑफ किंगशिप।
कि यह जो है पैराग्राफ जो है बताता है कि वह भगवान के जो है इक्वल है, यह प्रोजेक्ट करने की, यह जो है किस तरह के किंगशिप को बताता है। ठीक, अ मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस बाय आइडेंटिफाइंग विद अ वैरायटी ऑफ डाइटीज। ठीक, मीन्स ऑफ ए क्लेमिंग देमसेल्फ गॉड लाइक। ठीक है, मीन्स ऑफ क्लेमिंग अ नंबर ऑफ टाइटल। अब जो है यहाँ पर पैराग्राफ का काम आता है। ठीक, यहाँ पर क्या चीज़ें दिखती है, खासकर जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ही इज़ इक्वल टू गॉड कुबेर, ठीक है, वरुण, इंद्र, ठीक है, एंड यमा, गॉड ऑफ डेथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने की जो है मतलब जो पैराग्राफ है वो जो है राजा के स्टेटस को अलग अलग देवताओं से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से वह जो है स्टेटमेंट जो है वन सही होता है। याद रखिए, वो ये कहीं नहीं कहता कि हम भगवान जैसे हैं, वो खुद को भगवान नहीं कह रहा, वो ये बोल रहा है कि हमारा जो स्टेटस है पैसे के मामले में हम जो है कुबेर के जैसे हैं, डेथ के मामले में मतलब दुश्मनों के संहार के मामले में हम यम जैसे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अपने स्टेटस को वह भगवान के लेवल से कंपेयर कर रहा है, वह खुद को भगवान कभी नहीं कह रहा। ठीक है, आप अगेन यहाँ देखोगे कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है क्वाइट कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप जो है पैराग्राफ को देखोगे तो चीज़ें ईजी हो जाती है कि हर जगह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ है। आप PDF डाउनलोड करके खुद ज़रूर देख लेना, ठीक है, तो आपको चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वो बार बार गॉड गॉड से उनके एट्रीब्यूट के कारण कंपेयर कर रहा है, वह खुद को भगवान नहीं कह रहा, इसलिए ऑप्शन वन सही है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, ही इज़ पोजेस्ट ऑफ जो है कंपैशन, उसके अंदर बहुत सारी दया भरी पड़ी है। रीज़न क्या बता रहा है, तो ही इज़ द गिवर ऑफ 1000 cows, उसने जो है सैकड़ों हजारों गाय दी है, उसने कई सारे जो है गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया हुआ है, गरीब और जो है जो भी लाइफ में प्रॉब्लम, जिन जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उसने सबकी लाइफ को बेहतर बनाया है। ठीक, तो एक हो गया असर्शन और दूसरा हो गया रीज़न। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों सही भी है। ये अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ जो है ये स्टेटमेंट है कि जो है ये लाइन जो है उसने दिखाया हुआ है, यहाँ से जो है आप देखोगे तो यहाँ से वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो उसने ये बताया है कि उसके अंदर दया है, और क्यों है, क्योंकि वह लोगों को दान करता है और ये सब काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट वन जो है आपका सही हो जाता है। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिस्ट्रीज ऑफ रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग प्रशस्ति लाइक वन इन द एक्सर्प्ट्स। ठीक है, कि जो राजाओं की हिस्ट्री जो है वो लिटरेचर, क्वाइन और इंस्क्रिप्शन से निकाली जा सकती है, जैसा कि प्रशस्ति बताती है। ठीक, अगेन जो है वाइल हिस्टोरियन ऑफ एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच ए कंपोजिशन, दोज हु कंपोज एंड रीड देम ऑफन ट्रीजर्ड एज ए वर्क ऑफ पोएट्री रादर देन अकाउंट वर लिटरेरी ट्रू। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला कि पहली चीज़ कि जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं वो जो है उनके क्वाइन और इंस्क्रिप्शन पे भरोसा करते हैं, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, लेकिन जब भरोसा तो करते हैं लेकिन वो इसको जो है पोएट, इसको एक पोएट्री के तौर पे ही देखते हैं, ना कि पूरी तरह से इस पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही बातें सही है। पहली चीज़, उस पर ट्रस्ट तो करते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एट द सेम टाइम ब्लाइंडली फेथ नहीं करते। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बारे में ही ये पोएम थी कि ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, इस धरती पे उसका कोई दुश्मन ही नहीं था। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप एक राजा हो, बहुतों को आपने मारा हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि साहब आपकी धरती पर जो है कोई दुश्मन ही ना हो और जो है सबकी लाइफ, बाकी सारी आपने जो है दूसरे, यहाँ पे बाकी जो स्टेटमेंट है आप देखोगे दूसरे राजाओं के सारे फेम को ख़त्म कर दिया, आप एक सुप्रीम बीइंग हो। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी लिखी जाती है, तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही आते हैं। एक और पिक्चर आती है जहांगीर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक जहांगीर है, ठीक है, काफ़ी बड़े में उसको दिखाया है, और यहाँ पर जो है ईरान का एम्परर है, नीचे वर्ल्ड हो गई, और यहाँ पर शेर और एक साथ में बकरी है। इस पेंटिंग को जो है जहांगीर का ड्रीम नाम दिया गया। सवाल यह है क्यों। चार ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। इट शोज दैट द दोनों रूलर, जिसमें जहांगीर और जो है सफाविद शाह अब्बास, वो एक ऐसे फ्रेंड हैं जो कि जहांगीर की डिज़ायर थी। ठीक,
सेकंड, जहांगीर चाहता था कि दोनों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन हो। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इट गेव अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी टू अ सीन विच वॉज फिक्शनल एज द टू रूलर हैड नेवर मेट। फैक्ट भी था, जहांगीर और दोनों कभी मिले नहीं थे, ठीक है, लेकिन यह एक काल्पनिक थी। ठीक, एक इंस्क्रिप्शन, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस मिनिएचर रिकॉर्ड जहांगीर कमीशन अबू हसन टू रेंडर द पेंटिंग ऑफ ड्रीम। ठीक है, जहांगीर इसको एज ए मेमोरियल रखवाना चाहता था, तो ये भी सही है। ठीक, और इस तरह से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही आते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर ये हमारा सही होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में क्या है कि द एनिमल यहाँ क्यों दिखाया गया। नीचे आपको याद होगा इस पिक्चर में जो है दो एनिमल्स दिखे थे, एक शेर और एक बकरी। तो ये एनिमल्स क्या बताते हैं? एक ऐसा रेलम जिसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग लॉयन एक जो है बकरी के साथ हारमनी के साथ रह सकता है। ठीक, एन आइडियल वर्ल्ड वेयर एनिमल एंड ह्यूमन लिविंग टुगेदर। नहीं, यहाँ पर ये दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। दरअसल जहांगीर जो है वो ये दिखाना चाहता था, मैं शेर हूँ और वो जो है बकरी है। रियलिटी ये थी कि सफावी बादशाह ने जो है कांधार और ये सब इन सब मुग़लों से छीन लिया था। तो यहाँ पर बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, ये इस तरह के स्टेटमेंट खूब आते हैं। ठीक है, जनरली जो है ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी ऑल ऑफ अबव दिखे मार देना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। बट सीबीएसई वाले भी ये चीज़ समझ चुके हैं, तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए कि नन ऑफ द अबव है तो सही ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन की हारमनी जो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। वैसे भी ये सब नॉनवेज खाने वाले लोग थे, तो ये कितनी हारमनी दिखाना चाहते भगवान जाने। ठीक है, स्पेशली यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई, यह एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक जो है लैम्ब के साथ अच्छे से रह सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है इसका सही होता है। द ग्लोब बिनिथ द फीट ऑफ बोथ एम्परर, ये क्या सजेस्ट करता है कि जो जहांगीर का स्वप्न है कि वह पूरी दुनिया की वह जो है जहांगीर का सपना जो है, सवाल यह है कि दोनों के पैरों के नीचे जो ग्लोब दिख रहा है वो क्या बताता है? तो वो ये बताता है कि जहांगीर का जो सपना था वो ये था कि जो है कि अपने जो सबसे बड़े दुश्मन हैं शाह अब्बास, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम पूरी दुनिया जो है जीत सकते हैं। ठीक, द ग्लोब इज़ यूज फॉर पेंटर टू प्रोवाइड डेप्थ ऑफ पेंटिंग, वह जो है पेंटिंग के डेप्थ को दिखाने के लिए जो है यह दिखाया गया, बनाया गया। द ग्लोब इज़ रिप्रेजेंटिंग द आइडियल वर्ल्ड वेयर ह्यूमन एंड एनिमल एग्जिस्टिंग टुगेदर। लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, यहाँ इंसानों के एनिमल्स के एग्जिस्टिंग के का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो है स्टेटमेंट जो है ए ही जो है सही होता है। ठीक है, तो वो ये दिखाना चाहता था कि अगर जो है जहांगीर ने अगर अपने दुश्मन पे कब्जा कर लिया तो एक तरह से उसके लिए जो है सारी दुनिया पे कब्जा हो गया, क्योंकि बाकी जगहों से उनका मतलब था नहीं। साउथ इंडिया जो है लगभग उनसे डरता ही था, उनसे खतरा था नहीं, जो ले दे करके खतरा था वो ईरान से ही था। और इस पेंटिंग के द्वारा जहांगीर ने दिखाने की कोशिश की थी कि साहब हमने शाह अब्बास को भी अपने प्रभाव में ले लिया है, तो अब हम पूरी दुनिया के राजा हो गए। नाम भी था जहांगीर, पूरे जहान का राजा, द वर्ल्ड सीजर, पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाला। तो स्टेटमेंट ए ही सही होता है। अ कंपैरिजन इन ऑफ द फिजिक एंड पोस्चर ऑफ बोथ एम्परर इन द पोर्ट्रेट्स, क्या भी मतलब जो दोनों की फिजिक दिख रही है आप देखोगे ध्यान से तो जहांगीर को काफ़ी जो है बड़ा और पावरफुल दिखाया जा रहा है, और जो है जो शाह अब्बास को जो है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है चिपकी पड़ी है, खैर गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, वो एक राजा था पावरफुल, तो यहाँ पर जो है उसको दिखाने की कोशिश किया वो एक छोटा सा है, कमज़ोर सा है और उसकी शरण में पड़ा हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? तो नंबर वन स्टेटमेंट सही लग रहा है कि जो है यह जहांगीर की सुपीरियरिटी दिखाता है कि यह अब शाह अब्बास से ज़्यादा सुपीरियर है फिजिकल साइज़ में, और ये दिखाने की कोशिश की हुई है। सेकंड, द ड्रीम ऑफ जहांगीर ऑफ एम्बेरसिंग हिज राइवल शाह अब्बास इन ए फ्रेंड मैनर टू रिटेन कांधार। अब ये भी दिखाता है कि जहांगीर जो है वो दोनों फ्रेंडली हैं लेकिन फिर भी हमारा जो है डोमिनेंस बना रहेगा। ठीक, कि हम जो है कांधार पे कंट्रोल किए रहेंगे और हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगेन यहाँ पर भी जो है थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं क्या। ठीक है, अगेन क्वेश्चन जो है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगेन पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर पैराग्राफ में सर्च करेंगे। मुगल एम्पायर वॉज वेरी प्रॉस्परस ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम मुगल एम्पायर जो है बहुत रिच था। कैसे इसको जस्टिफाई किया गया?
नूर जहाँ बिगन टू हैव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि नूर जहाँ के पास बहुत सारा पैसा था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। अगेन नूर जहाँ जहांगीर के टाइम पे थी, शाहजहाँ के टाइम तो थी नहीं, तो पहला स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत हो जाता है। जहाँ आरा एंड रोशन आरा हैड ए वेरी हाई एनुअल इनकम, ठीक, अगेन ये सही है क्योंकि यहाँ पर जो है साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है दोनों के पास खूब सारी इनकम थी, तो सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है, बट सीधे टिक नहीं मारेंगे, बाकी को भी देखेंगे। नेक्स्ट है, रोशन आरा स्पेंट ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम इन बिल्डिंग ऑफ कारवांसराय। अगेन रोशन आरा मेड ए ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड। अब जरा हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, आप अगर देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है कि ये सारा जो है जो इनकम आ रही है वो जहां नारा को आ रही है। अगेन जो भी जो है पैसे जो खर्च हो रहे हैं कि जहां वो भी जो है जहां आरा ने खर्च किए थे अलग अलग शहरों को बसाने में, कारवांसराय और दूसरी जगहों को बसाने के लिए, वो जो है रोशन आरा ने खर्च नहीं किए थे, ठीक। और यहां पर क्या है, सीधा सीधा रोशन आरा, अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप जहां आरा इग्नोर कर जाओगे और आप रोशन आरा को देख कर जो है इन दोनों पर टिक मार सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीबीएसई वाले इतने इस तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे ना कि आपका दिमाग का जो है दही होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारा पैसा जो है जहाँ आरा खर्च रही है और स्टेटमेंट में रोशन आरा दिख रहा है। अगेन आप अभी लग रहा है कि यार कैसे ये गलती हो सकती है, बट याद रखिए जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है दिमाग जो है बहुत गंदे तरीके से परेशान होता है, ठीक है। इसीलिए दिमाग को कूल रखना बहुत ज़रूरी है, दिमाग पर स्ट्रेस पड़ रहा हो एग्ज़ाम में, पानी पीजिए, वॉशरूम घूम के आइए, दो मिनट शांत बैठ जाइए, बट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और कम से कम रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो अगेन स्टेटमेंट बी सही है। मुगल क्वीन एंड प्रिंसेस वर एबल टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्पाइट बीइंग कन्फाइंड इन हरम, कि मुगल जो औरतें थी वो तो हरम के अंदर पैक रहती थी, कहीं जाती नहीं थी, तो अपना ट्रेड कैसे करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है कि मेल स्लेव हेल्प करते थे, स्लेव इन इनुच एक्ट जो हिजड़े होते थे वो उनकी हेल्प करते थे, मनसबदार जो है डिप्यूट किया था, और फीमेल स्लेव करती थी। अगेन मुगल हरम में जो है किसी मेल का जाना अलाउड ही नहीं था, ठीक है, और महिलाएं बाहर जा नहीं सकती थी, तो अगेन जो है किसको अलाउ किया था, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हिजड़े थे ख्वाजा सरा, इन्हीं को जो है रखा गया था ताकि वो बाहर जाएं और बाहर जा करके इनके ट्रेड रिलेशन को मैनेज करें, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन सीधा सीधा है, बट आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, ठीक है। जहाँ आ रहा यहाँ पर जो है बेगम डिफाइड दे ऑल द स्टीरियोटाइप एसोसिएटेड विद वेमेन, ठीक है, कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए। सी टूक द कम्प्लीट चार्जेज ऑफ मुगल हाउस होल्ड, वो पूरे घर का जो है हाउस होल्ड का चार्ज करके रखी थी। सी पार्टिसिपेटेड इन डोमेस्टिक कॉन्स्पायरेसी, सी कमीशनड एंड पार्टिसिपेटेड इन मेनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट इन शाहजहाँ, सी कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ चार स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं, अगेन यहाँ पर पूरा पैराग्राफ देखोगे तो स्पेशली जहाँ आरा के बारे में यही डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उसने जो है कई सारी बिल्डिंग बनाने में काफ़ी जो है हिम्मत की थी, तो अगेन स्टेटमेंट सी सही है, ठीक है। इन व्हाट वेज जो है ये सब जो है क्वेश्चन आप देख लेना, सिंपल चीज़ें। हाँ एक और इसको देख ही लो एक मिनट, इन व्हाट वे डिड जहाँ आरा कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जहाँ आरा ने ट्रेड की ग्रोथ के लिए क्या कुछ किया। बाय बिल्डिंग द पोर्ट ऑफ सूरत, उसने सूरत का पोर्ट बनवाया, ठीक है। बाय हेल्पिंग शाहजहाँ इन बिल्डिंग कैपिटल आगरा, ठीक है। बाय बिल्डिंग अ डबल स्टोरीड कारवांसराय इन दिल्ली, बाय डिज़ाइनिंग द चांदनी चौक मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि उसने क्या कुछ किया, अगेन जो है यहाँ पर आप देखोगे तो सी ऑप्शन सही है, थ्री ओनली जो है आप इस उसने जो है कारवां से, क्योंकि सूरत जो है शहर पहले से ही डेवलप था, पैराग्राफ पे नहीं जा रहे हैं आप इसको देख लेना, सूरत शहर से उसको इनकम होती थी, सूरत शहर का पोर्ट उसने नहीं बनवाया था, उसने क्या बनाया था, कारवांसराय, ठीक है, ताकि जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है आकर के स्टे कर सकें। कारवां का मतलब ही होता है जो स्पेशली जो लोग जो बिजनेसमैन होते एक जगह से दूसरी जगह वो कारवां में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, और दूसरा उसने मार्केट बनाया था, ठीक है। तो यही उसकी दो अचीवमेंट थी जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, तो सी और डी दो स्टेटमेंट सही है, तो अगेन ऑप्शन सी सही होता है। बाकी दो चीज़ें
आगरा के मार्केट में उसका रोल नहीं है और सूरत शहर बनासाने में उसका रोल नहीं है। अगेन कंडीशन ऑफ जमींदार, यहाँ पर फिर एक पैराग्राफ आ रहा है, फिर वहाँ पे assertion एंड रीज़न, दो स्टेटमेंट दिए, ठीक है। Among the defaulters were some of the oldest family of the country, जो भी जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे थे उसमें कुछ बहुत रिच पुराने जो है रिच फैमिली के लोग थे। The revenue was not realized by punctuality and land to a considerable extent were periodically exposed to sell by auction। आप अगर पैराग्राफ देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों से जो है स्टेटमेंट में कोई जो है कनेक्शन नहीं है। ये सही था कि जो है पुराने ओल्ड फैमिली के जो लोग थे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, पैसा नहीं दे पा रहे थे, बट ये उसका जो है स्टैंडर्ड रीज़न नहीं है जिसके कारण हम ये कह सकें कि जो है ये उसका स्टैंडर्ड रीज़न नहीं है। तो इस तरह से स्टेटमेंट टू जो है सही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इसका जो है करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगेन स्टेटमेंट टू, व्हाट आर द ऑफिशियल हु रोट द फिफ्थ रिपोर्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। जो फिफ्थ रिपोर्ट आई थी वो किस चीज़ पे फोकस करती है, ठीक है। तो आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, चूँकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर इतना आपके लिए मुश्किल होगा, तो पूरा आप जो पीडीएफ डाउनलोड करके ध्यान से देखना। इसमें जो है स्पेशली जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जो है अब जो सरकारें थी वो एक गलत तरीके से एसेस कर रही हैं और पैसा उनको बहुत कम हो रहा है। जैसे जो है 28 लाख रुपए उन्होंने एसेस किया, पैसे आए सिर्फ 14 लाख। इसी तरह से जो है अब यहाँ पर 26 लाख एसेस किया और जो है पैसे आए 22 लाख। तो यहाँ पर जो है अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, इस बात पे आ रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गड़बड़ हो रही है या फिर कहीं कुछ करप्शन हो रहा है। वो कहीं भी ये नहीं बता रहा, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे, कि जो है परमानेंट सेटलमेंट गलत था या फिर जो है रेवेन्यू कलेक्शन में कोई खराबी थी, ठीक है। चूँकि सरकार कभी खुद को इनएफिशिएंट नहीं मानती, ये जो है ऑप्शन सी जो है सही लग रहा है, बट ये याद रखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद को इनएफिशिएंट नहीं मानती। टैक्स क्यों जो है सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि जो है जरूरत हुआ होता क्या था, बोली लगाते थे। तो जब बोली लगाते थे तो लोग बढ़ चढ़ के बोली लगा दिए कि साहब हमको जो है किसी तरह से जमींदारी मिल जाए। अब जमींदारी तो ले लिया, लेकिन क्या है वो चुका नहीं पाए, ठीक। और अधिकारी लोग भी जो है ऐसे लोगों को जमींदारी देना पसंद करते थे जो उनको रिश्वत दे दें ताकि उनका पर्सनल फ़ायदा हो जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही होता है कि हाँ मिस एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन और मिसरूल पर उनका ज़्यादा फोकस था। फिर फिफ्थ रिपोर्ट अगर आप जो है ये चैप्टर पढ़ोगे तो भी आपको ये चीज़ साफ साफ मिलेगा कि अब पूरा पैराग्राफ जो है वो मिस एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस था, कहीं भी जो है परमानेंट सेटलमेंट या फिर जो है रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जनरलाइजेशन फ्रॉम दिस फिगर ऑफ टू ईयर्स में लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। फिफ्थ रिपोर्ट सिर्फ 2 साल के बारे में बताई गई थी, ठीक है। तो इससे जो है हमको एक्चुअल सिचुएशन से कैसे ये मिस इंटरप्रेट करवा देती है, ठीक है। अब एज दीज वर द ईयर्स वेन जमींदार फेस द प्रॉब्लम, ठीक है, ये वो साल थे जिसमें जमींदारों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी। और there could be the exaggeration of facts, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये वो 2 साल थे जिस साल सूखा पड़ता है और दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगेन एट द सेम टाइम जो है जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखे गए थे। अगेन कि इस कॉन्टेक्स्ट में जुम्मा का मतलब क्या, ये जुम्मा लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज़ जमा। अंग्रेज लोगों की आदत है कि हिंदी के जितने शब्द उन्होंने उठाए सबको बिगाड़ा, सीता को साइटा कर दिया, राम को रामा कर दिया। दिस इज जमा, जमा का मतलब डिपॉजिटेड, ठीक है। तो जमा का मतलब क्या है, तो दैट इज सिंपल सा कि जो है द अमाउंट कलेक्टेड एज रेवेन्यू, द अमाउंट, यहाँ देखिए तो यहाँ पे जमा कौन सा है, यहाँ पर अगेन जो है आपको वर्ड जमा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो जमा का मतलब क्या है, असेसमेंट, ठीक है, ऑफ सिक्का रुपीज़।
ठीक है, तो अगेन आप यहाँ मिला सकते हो, अगेन ये क्वेश्चन पैराग्राफ से निकल करके आया, तो ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कि सरकार ने कितना असेस किया है, कितना पैसा मिलेगा। बाकी जो है सेक्शन सी के क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ यूज बाय हिस्टोरी टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। कई बार कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, द बैटल बिटवीन हो एंड प्लाउ वॉज ए लॉन्ग वन, ठीक है, आपको ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक, आप क्वेश्चन आपके सीधे ही हैं, बट उसको थोड़ा सा जो है आप संथाल और जो है पहाड़िया लोगों के बीच के जो लड़ाई है उसी चीज़ को आप यहाँ एक्सप्लेन करना था, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते आगे जाते हैं, जो सेक्शन डी है, अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दो दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। याद रखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 2+6 क्या है, तो एक्सप्लेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म का मेन आइडिया क्या है, अगेन दो नंबर का, ठीक है, और 6 नंबर में आपको ये बताना है कि इसका जो है इंडिया पर, उन इंडियन थिंकिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो कई बार करते क्या है कि हम जो है सिर्फ आइडिया ही लिखते चले जाते हैं, या फिर आइडिया को ज़्यादा लिख दिया, इम्पैक्ट को कम लिखा, नहीं, हमको मेन आइडिया को जो है छोटा लिखना है और जो है इम्पैक्ट को बड़ा लिखना है। जो इसके इनका आइडियल आंसर है उसको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं, उससे भी चीज़ें जो है हमको बेहतर क्लियर होंगी। एक मिनट, ये तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सॉरी। देखिए इसने भी क्या किया हुआ है कि जो जैनिज्म के जो मेन आइडियाज़ हैं दो पॉइंट ख़त्म कर दिए, और जो है जो इम्पैक्ट है उसको इसने डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप याद रखिए 2+6, ठीक है, 2 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया और 6 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया। ये जो है बुद्ध का स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई इस तरह का डिवीज़न नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है सीधा सीधा बुद्ध की जितने भी टीचिंग्स हैं उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, अप दीपो भव बी द लैम्प अन टू योर सेल्फ, तो यहाँ पर जो है अगेन जो है सीबीएसई का जो था उसने साफ साफ जो है पूरा का पूरा जो है बुद्ध की आइडियोलॉजी है उसको सारी टीचिंग्स को एक साथ लिख दिया। तो हमको ये ध्यान में रखना है, जहाँ डिवीज़न करने को बोले वहाँ डिवीज़न करेंगे, जहाँ डिवीज़न नहीं करने को बोलेगा वहाँ बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं करेंगे, ये आपके मार्क्स डिवीज़न और हाई स्कोर लेने में जो है काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद महानवमी डब्बा, अ स्ट्रक्चर ऑफ रॉयल सेंटर, अगेन महानवमी डब्बा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं रिचुअल और प्रैक्टिसेस वो बतानी है। ठीक, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में सारा जो उसके रिचुअल और प्रैक्टिसेस बतानी है, यहाँ पर फिर डिवीज़न कर दिया है 5 और 3, तो 5 पॉइंट आपको विरूपाक्ष टेम्पल के लिए लिखने थे और जो है विट्ठल टेम्पल के लिए 3 पॉइंट्स लिखने थे रॉयल टेम्पल। ठीक है, अगेन सैम्पल पेपर में आप जो है दोनों के दोनों जो है ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, विरूपाक्ष टेम्पल इतना बताया, ठीक है, और विट्ठल टेम्पल के जो है ये उसने यहाँ बताया हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने पॉइंट्स ज़्यादा दिए हुए हैं, आपको जो है उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है, 5+3 दिया तो 5+3। एग्जामिन द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी एंड हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकन्स्ट्रक्ट। ठीक है, गांधीयन पीरियड के बारे में जो भी हिस्ट्री रही है उनके क्या क्या जो है सोर्सेज हैं उनको बताना है, सिंपल सा है। ठीक है, अगेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट, अगेन इसका आंसर तो एक ही लाइन का है, सीधी सी बात है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था तो असली लड़ाई तो वो जनता ने ही लड़ी थी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे तो ऐसे केस में आपको उसका पूरा का पूरा रीज़न ही देना है और आप कुछ नहीं कर सकते, रीज़न और उसका जो है डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सारे सोर्सेज दिए हुए हैं कि किस किस चीज़ों से गांधी के बारे में हमको पता चलता है, और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों मास मूवमेंट था वो सारी चीज़ें जो है इसने बताई है। ठीक है, स्पेशली उसने रीज़न ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, हालांकि जो मेन आंसर है वो यही है कि सारे नेता जेल में थे तो यह पूरी लड़ाई जो है वो जनता ने लड़ी थी, एक लाइन का स्टेटमेंट है, और इसलिए जो कंक्लूडिंग लाइन है ना जिसमें आपको लगता है कि जिसमें आपका आंसर जो है साफ साफ झलकता है उसको आप जरूर हाईलाइट कर दीजिएगा, अदरवाइज जो है एग्जामिनर वो सोचता है कि यार ये लोग आंसर कहाँ का कहाँ लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं आंसर कुछ दे रहे हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा। अगेन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, आप देखोगे हर क्वेश्चन के दो दो सेट हैं और आपको जो है
आप एक ही करना होता, दोनों बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज टाइम किल होगा। कई बार कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि मान लीजिए 25 का दोनों सेट जो है आपको नहीं आ रहा है और 24 का दोनों सेट आ रहा है, तो कई बार कुछ लोग जो है दिमाग लगाते हैं, वो करते क्या हैं कि 24 का ए जो है 24 में कर दिया, फिर बाकी सारे क्वेश्चन किए और इसको जो है जो 24 का पार्ट टू है इसको 25 नंबर के नाम से लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग कुछ लोग लगाते हैं, कई बार जो है उनकी लॉटरी लग जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे 25 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी, तो आप क्वेश्चन तो छोड़ोगे नहीं। तो उस केस में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 24 का ए जो है उन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, और लास्ट में जो है उन्होंने ये जो बी पार्ट था इसको 25 नंबर डाल करके इसको भी कर दिया। मे बी आपकी किस्मत काम करती है, कुछ केस में कुछ लोगों का अगर एग्जामिनर ने इग्नोर कर दिया, उसके दिमाग में नहीं आया, तो शायद आपको कई कुछ बार में नंबर मिल जाता है। कई बार उसको याद आ जाता है, नहीं ये क्वेश्चन तो कहीं और का है, तो उस केस में जो है नंबर कट जाते हैं। तो ये टोटली जो है रिस्क पे होता है कि अगर फ़ायदा मिला तो 8 नंबर, नहीं तो पूरा का पूरा गया। अगेन कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जिस सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है वही करने का, ठीक है। और अगेन जब भी आप जो है 8 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो साफ साफ बता दीजिए कि 24 का आप ए कर रहे हैं या बी कर रहे हैं। चाहे तो क्वेश्चन का जो है आप जो मेन लाइन है उसकी हेडिंग जरूर डाल दें। जैसे यही क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन थिंकिंग, ताकि एग्जामिनर को भी जो है साफ साफ पता चल जाए कि क्या चीज़ें जो है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पार्ट कर रहा है, ए पार्ट कर रहा है या बी पार्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ के भीतर ही हों। यहाँ पर जो है इनॉमरेट वन रीज़न वाई जो है अर्नेस्ट मैके स्टेटेड दैट इट सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। जो अर्नेस्ट मैके थे उन्होंने जो है ये लाइन क्यों कही कि यह जो है मोस्ट एंशियंट सिस्टम है था जो कि अभी जो है आज तक डिस्कवर हुआ है। वजह क्या थी कि जो है ये जो ड्रेनेज पैटर्न था, इस तरह का जो ड्रेनेज पैटर्न पूरे यूरोप में कहीं नहीं था, ठीक है। अगेन इसका आंसर आपको जो है पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, याद रखिए ये इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है जहाँ क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के भीतर मिले, ठीक है। तो ये आपको कॉमन सेंस से देना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरे यूरोप में जो है 18 सेंचुरी तक नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। डिफाइन द टर्म ग्रिड पैटर्न, अगेन ये जो है इसका आंसर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है नहीं है, तो सिंपल कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो ग्रिड पैटर्न क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक, ये चीज़ जो है यहाँ साफ साफ दी हुई है कि किस तरह से कि हर एक घर का जो है उसको स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट किया था, तो इसका आंसर यहाँ साफ साफ मिलता है। तो अगेन इन पैराग्राफ्स में भी यही सीन होगा, कुछ क्वेश्चन अंदर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन अंदर नहीं मिलेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब इससे रिलेटेड जो है चैप्टर आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आप देखोगे कि डू यू नो ऑफ एनी अदर इंस्टेंस व्हेन दरगाह वाज पैटर्नाइज बाय रॉयल विजिटर, यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। ये भी आपको कॉमन सेंस से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ नारा के बारे में बताया गया है कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गई थी, तो आपको अपने कॉमन सेंस से बताना है कि क्या ऐसा कोई और एग्जांपल है। तो हाँ साहब, अकबर भी गए थे, उसके पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, गयासुद्दीन खिलजी गए थे, तो अलग अलग राजा लोग गए थे। ये तब आएगा जब आप जो है हिस्ट्री को डीपली पढ़ोगे, अदरवाइज़ आपका एक नंबर जो है वो गड़बड़ होगा। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जियारत, ठीक, इस कॉन्टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ के रेफरेंस में आपको बताना होगा कि जियारत में क्या कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साफ साफ दिया हुआ है कि जियारत में उसने क्या कुछ किया हुआ था, ठीक है, तो ये पैराग्राफ में साफ साफ आपको मिल जाता है। क्लासीफाई द वेज बाय विच द डिवोटी शोड देयर रेवरेंस, ठीक है। अगेन ये भी चीज़ जो है आपको पैराग्राफ में मिल जाती है कि उन्होंने जो है अपना
अपना फेथ जो है उन्होंने कैसे शो किया था। तो उन्होंने जो है अपने हाथ पैर धोए, उन्होंने जो है जो दरवाजे हैं उसको चीमे, नंगे पाँव गए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पैराग्राफ में हैं। तो अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है कि जो है कुछ चीज़ें पैराग्राफ में हैं, कुछ चीज़ें बाहर से हैं। सेम क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है, हाँ फिर पैराग्राफ, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैराग्राफ। एक्सप्लेन द टर्म मल्टीकल्चरल लैंग्वेज, मल्टीकल्चरल लैंग्वेज किसको बोला गया? तो साफ साफ जो है गांधी ने कहा कि वो संस्कृताइज हिंदी नहीं होगी, पर्सियन उर्दू नहीं होगी, वो एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि हर तरह के रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज से मिल करके बनी होगी। तो सिंपल है, मल्टीकल्चरल लैंग्वेज आप अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ के बेस पे बताइए कि नेशनल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। अगेन आप जो है यही लाइन यहाँ से उठा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो है एग्जैक्ट जो है पैराग्राफ को कॉपी मत कर दीजिए, उसको अपने वर्ड से बना करके रखिए। इससे जो है ये लगता है कि बच्चे ने सीरियसली पढ़ा हुआ है। द रिपोर्ट ऑफ लैंग्वेज कमेटी प्रोमोटेड द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, गिव रीज़न, कि जो लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट थी वो नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। अगेन इस पूरे पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपने लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? तो लैंग्वेज कमेटी ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, ठीक है, जिसमें यह कहा था कि इंग्लिश होगी, हिंदी होगी और आपका जो है एक रीजनल लैंग्वेज होगा। हर एक स्टेट को उसने फ्री कर दिया कि हर एक स्टेट जो है अपने मन से अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर पाएगा। ठीक, और उन्होंने कहा कि देश की जो है एक भाषा जो है वो जो है अब जो राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ही हिंदी होगी और इसको फोर्सफुली नहीं किया जाएगा। 15 साल के भीतर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, मैप इस बार थोड़ा इजी कर दिया है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा मैप है। और याद रखिएगा सीबीएसई जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को, मतलब सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने पॉइंट आपको मैप में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जो है वो उसको देख लीजिएगा। अगेन यहाँ पर जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं कि लोथल अमेच्योर हड़प्पन साइट आपको मैप पे लोकेट करना है, सिंपली सांची बुद्धिस्ट साइट, आगरा टेरिटरी अंदर बाबर, ये कलकत्ता सेंटर ऑफ। ठीक है, तो इस बार जो है मैप शायद थोड़ा आपको इजी मिल जाए और 2 प्लेस उसने ऐसे दे दिए कि जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में जो है 2 तरह के क्वेश्चन थे आपको, जो है आइडेंटिफिकेशन और जो है लोकेशन। ठीक, तो जो है ये 3 क्वेश्चन आपके लोकेशन वाले और ये जो है 2 क्वेश्चन ये आपके आइडेंटिफिकेशन वाले। ठीक है, मैप बहुत ईजी है, अगेन जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि मैप में क्या कुछ पढ़ना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। अगेन वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है उस पर जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे, जो है फिलहाल जो है हम ये देखते हैं। तो सेक्शन ए जिसमें जो है 16 क्वेश्चन है, ठीक है 16 क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 15 करने हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। सेक्शन बी 17 से 19 केस बेस्ड हैं, जिसमें 4-4 क्वेश्चन का सेट मिलेगा लेकिन हमको 3-3 ही अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये फ़ायदे का। अगेन ये भी एक एक नंबर के ही हैं। ठीक है, सेक्शन 3 सी जिसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, सबसे खतरनाक आपका यही होगा क्योंकि इसको तो आपको करना ही करना है, इसमें कुछ भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ दे दिए। सेक्शन डी इसमें जो है 8-8 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक, और जो है 350 वर्ड्स में। सेक्शन ई अगेन पैर सोर्स बेस्ड हैं, ठीक, 5-5 नंबर के 3 सेट, और फाइनली मैप बेस्ड क्वेश्चन। और इस तरह से यह जो है आपका स्ट्रक्चर होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा ताकि आपको जो भी रेफरेंस की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें। धन्यवाद, आपका दिन